हर चीज को लेकर समाज में कई तरीके के मत देखने को मिलते हैं। ऐसे ही प्याज को लेकर भी समाज में कई तरह के मत सुनने को मिलते होंगे। हिंदू धर्म में पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शास्त्र विधि और अन्य धर्म कार्यों में भी प्याज और लहसुन के इस्तेमाल की मनाही होती है, जबकि सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो इन्हें काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर शास्त्रों में इसकी मनाही क्यों होती है? इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ साथ पुरानी कथा भी शामिल है। हिंदू धर्म के मुताबिक भोजन को तीन भागों में बांटा जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ऐसे में प्याज की गिनती तामसिक और राजसिक भोजन में की जाती है। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन की बात करें तो इसमें दूध, घी, आटा, सब्जियां, फल आदि की गिनती की जाती है। कहा जाता है कि इसमें सकारात्मकता, शांति, संयम, पवित्रता, ज्ञान जैसे भाव गुण पैदा होते हैं, इसलिए धार्मिक लोग ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं। राजसिक भोजन। राजसिक भोजन की बात करें तो इसके अंतर्गत वो भोजन आता है जो उत्तेजना पैदा करने वाला होता है, जैसे कि मिर्च मसाला, चटपटा भोजन। हालांकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसको ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर साहस, शौर्य, उत्साह पैदा होता है। तामसिक भोजन। तामसिक भोजन की बात करें तो इसमें बाधा पैदा करने वाली चीजों को गिना जाता है। साथ ही इसमें मांसाहार भोजन जैसी चीजें शामिल है। ये व्यक्ति के अंदर उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, आलस्य जैसे गुण पैदा करती है। कैसे हुई प्याज की उत्पत्ति? समुद्र मंथन से हर कोई वाकिफ है। इस दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था। समुद्र मंथन के दौरान ही माँ लक्ष्मी निकली थी। इस दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया तो इस बीच वहाँ एक राक्षस देवता का रूप धरकर देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया। सूर्य और चंद्रदेव को इस बात का आभास हो गया था और उन्होंने इस बात को विष्णु जी को बता दिया। विष्णु ने क्रोधित होकर उसका सिर चक्र से अलग कर दिया। चूंकि राक्षस ने थोड़ा अमृत पान कर लिया था, जिससे उसके कटने से जो खून की बूंदें निकली थी वो जमीन पर गिरकर लहसुन और प्याज बन गई। ऐसे में यहीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि इसी के चलते प्याज लहसुन को हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। लहसुन और प्याज दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं, ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, जिससे व्यक्ति की काम वासना में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में उसका मन अध्यात्म से भटक जाता है। अध्यात्म और भक्ति में मन को एकाग्र करने के लिए वासना से दूर होना जरूरी होता है। लहसुन प्याज हिंदू धर्म में नहीं, वैष्णव और जैन समाज इन सभी चीजों से परहेज करते हैं, जिससे कि शरीर या मन में किसी तरह की तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। अमूमन ऐसा सुना जाता है कि विधवाओं को लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, ये काम के लिए प्रेरित करते हैं और व्यक्ति के अंदर कामेच्छा बढ़ाते हैं। इसलिए विधवाओं के लिए लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित कहा गया है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।